नारायण नारायण। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण नारायण। नारायण नारायण का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। आप सभी का एनआरएसपी परिवार सृजन टीम आप सभी का स्वागत करती है। एक साथ, क्योंकि जीवन में सारी चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, सब कुछ एक साथ होता है। सूरज उदय होता है और सूरज के उदय होने के साथ ही पूरी प्रकृति खिलती है, पूरी प्रकृति में गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं अपने अपने स्तर पर हम निर्वाह करना आरंभ करते हैं। सबकी अपनी भूमिकाएं हैं, हमें पता नहीं होता है कि आज की सुबह हमारी क्या भूमिका है। हम निर्धारित कुछ और करते हैं पिछली संध्या कि हमने ये तय कर रखा है कि आज हम ये करेंगे और ये उपलब्धियां अर्जित करेंगे, लेकिन होता कुछ विधान अलग है, क्योंकि ये विधि का विधान है और विधि अपने ढंग से निर्धारित करती है कि आपको क्या करना है। हम निमित्त मात्र होते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आप सभी किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर कुछ चीज़ बनाते हैं, हम ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं, हम निमित्त हैं। तो इसलिए जब हम तय करते हैं उसमें ये कल्पना कर लेते हैं कि मैंने तय किया है, और ये मैं जब हमारा बड़ा होने लगता है और हम कर नहीं पाते हैं, वही कठिनाई उत्पन्न होती है जिस दिन हमने मैं को बाहर निकाल दिया और ये कहा कि ईश्वर करता है और वही करता है, उसी के निर्देश पर इस सृष्टि की समूची गतिविधियां आकार लेती हैं, उसके इच्छाओं से ही सृष्टि में बीज अंकुरित होता है और उसके वो पुष्पित पल्लवित होकर फल देता है। जिस दिन हमारे समझ में ये आ जाता है उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, अनेक कष्टों से हमारी मुक्ति मिल जाती है। और इसका आसान सा रास्ता दीदी ने आपको बता दिया, राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, राम पांच, राम अनंत। गिनतियां समाप्त हो जाएंगी, राम समाप्त नहीं होंगे। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कुछ लिखने के लिए, तो उसमें वाल्मीकि जी को कहा गया कि वो डाकू हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। नारद मुनि ने पूछा कि आप लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, क्या मेरा तो कर्म यही है, परिवार का पालन पोषण मेरा उत्तरदायित्व है और उसका निर्वाह करता हूं, बाकी मुझे और तो कुछ आता नहीं, मैं यही करता हूं। नारद मुनि ने समझाया, इससे लोगों को बड़ा कष्ट होता है, मुझे लूटना चाहते हो, मेरे पास तो एक वीणा है और ये ले लो, और कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ये बता दो कि इस तरह के लूटपाट से जिस परिवार का भरण पोषण करते हो उस परिवार से पूछ लो कि क्या तुम हमारे इस पाप के भागीदारी बनोगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं बने या ना। तारद ने कहा जाकर पूछ कर आओ। तो कहा अच्छे उपाय बता रहे हो, मैं पूछने जाऊंगा, तुम यहां से निकल लो। तो नारद ने कहा मुझे किसी पेड़ से बांध दो और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, पूछ कर आ जाओ। वाल्मीकि नारद को पेड़ से बांध कर चले गए और घर से पूछ कर आया और बताया कि नहीं, मेरा परिवार मेरे पापों में हिस्सेदार नहीं है, जो धन लूट कर हम लाते हैं उस धन के भागीदार हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, पाप का भागीदार बन ही नहीं सकते हैं। तो नारद ने कहा क्यों करते हो? तो कहा आपने मार्ग बताया है लेकिन हम कैसे बढ़ें, इससे मुक्ति कैसे मिले? तो उन्होंने कहा राम का नाम जपो। तो कहा मैं तो इतना पाप कर्म कर चुका हूँ, इतनी हत्याएं कर चुका हूँ, राम शब्द ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, मैं तो मारता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, राम के नाम में इतनी शक्ति है, तुम मरा मरा ही बोलो और मरा मरा बोलोगे तो बाकी राम की कृपा है, वो स्वयं राम बन जाएंगे। तो वाल्मीकि ने मरा मरा मराम राम राम मरा मरा कहना शुरू किया, वो राम में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ ये है, ये घटना सत्य है या कल्पित है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सिर्फ इतना है कि राम की तरफ आप एक कदम बढ़ाइए
राम स्वयं आपको हजारों कदम आगे बढ़कर अपनी ओर लेंगे, अपने पास निकट बुलाएंगे। तो इतना सहज सुलभ मंत्र आपके पास है, बस थोड़ी सी फुर्सत निकालनी है, क्योंकि मन है ना, ये सारा खेल अपने मन का होता है। आप अपने तन को अपने घर से यहां ले आए हैं। पहले आपने पिछली रात सोने के पहले अपने अपने मन को समझाया था कि भाई कल एसपी ऑडिटोरियम में चलना है, यहां पर राम राम जपना है, यहां पर धार्मिक बातें सुननी है, आध्यात्मिक बातें सुननी है, उसको अपने हृदय में उतारना है और जीवन में उस पथ पर ही आगे बढ़ना है जिस पर गुरु हमारे बताएं कि हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। साथ में पुस्तक का विमोचन है, ऐसे शब्द हैं जो ज्ञान की बातें करेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे, सब तय करके हम आए हैं। रात को सोते समय मन को समझा दिया था कि 100 संकल्प और विकल्प आपके मन में आए होंगे, सवेरे आपको 9 बजे कहीं और जाना है, 10:30 बजे किसी से बात करनी है, 11 बजे और कहीं जाना है, लेकिन आपने मन को अच्छी तरह, मन के घोड़े को लगाम लगाया और आपने कहा नहीं, यही आना है, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहां दोनों बातें एक साथ होंगी, मन को मार्ग भी मिलेगा और यहां जो एक विशेष अवसर है उसके लिए भी हम साझीदार बनेंगे। मन आपका तैयार हो गया, आप यहां आ गए। अब देखिए मन का खेल, तन आपका यहां बैठा है। अच्छा जरा आप देखिए, आपने घर में अपना गीजर बंद किया था कि नहीं? घर पहुंच गए ना, पहुंच गए सब, सेकंड भर नहीं लगा पहुंचने में। ये मन इतनी तीव्र गति से, आपका कोई अपना रिश्तेदार, किसी का बेटा, भाई, बहन लंदन में भी है ना, आप लंदन पहुंच गए, ये मन है। आपके तन को यहीं छोड़कर न जाने कहां कहां यात्राएं कर लेता है। आपका वश अपने मन पर भी नहीं है। जिस दिन आपका वश, आपका अधिकार अपने मन पर हो जाएगा, आप जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे वो अर्जित कर सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति हो जाएगी, शक्ति ही नहीं, इतनी अद्भुत शक्ति हो जाएगी, आप इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी अर्जित करना चाहें, आप यूं ब्रह्मांड में हाथ डालें और लेकर आ जाएं। अब सोचिए कितना विचित्र खेल है ये। आप अलग नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, इसी ब्रह्मांड से सूर्य, तारे, ग्रह सबकी रचना हुई है, और इसी ग्रह पर जिस पर आप हैं, पृथ्वी पर आप उत्पन्न हुए हैं। और तो आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, इसी में समाहित हो जाएंगे, तो इसलिए हम इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी चाहें वो हम अर्जित कर सकते हैं। तो आज का जो विशेष अवसर है वो ये है कि पुस्तकों का लिखा जाना और प्रकाशित होना, पाठकों तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। ये एक शब्द यज्ञ की तरह होता है, शब्द यज्ञ। आप यज्ञ करते हैं, उसमें हवि डालते हैं और वो पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो परिवर्तित होता है, संस्कारित होता है, संस्कारित होकर देवताओं तक पहुंचता है। उसी तरह शब्दों का खेल है। शब्द क्या कभी भीगते हैं? शब्द कभी पसीने से तरबतर होते हैं हमारी तरह? शब्द क्या सर्दियों में ठिठुरते हैं? ऐसा नहीं होता है। लेकिन शब्द जब विशेष रूप में, जब कोई ऐसा व्यक्ति शब्द को छू ले, उसके मन से निकले, वो शब्द हमें आहत करते हैं, वो शब्द हमें घायल करते हैं, वो शब्द हमें मरहम लगाते हैं, वो शब्द हमें प्रेम से भर देते हैं, वही शब्द हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। एक छोटा सा शब्द है राम, हमें ईश्वर से जोड़ लेता है। तो शब्दों का खेल है, शब्द निर्जीव है, शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द जब अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्द जब भाव ग्रहण करते हैं, तब वो क्रांति कर देते हैं हमारे जीवन में, समाज या संपूर्ण प्राणी जगत में क्रांति होती है। अब आप कल्पना करें कि एक शब्द
राम या ओम कह लें, संपूर्ण है, ओम तो संपूर्ण है। अब बाकी शब्दों का क्या, पुस्तकों में अनेक शब्द लिखे रहते हैं, शब्दों को एकत्रित कर लें, उनसे कुछ अर्थ निकलता है, उनसे कुछ भाव निकलता है। लेकिन सारे शब्द जब एकत्रित होंगे तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे। जैसे आप सभी मूर्तियां यहां एकत्रित हैं, और एकत्रित होकर क्या आप आपस में मिल पाते हैं? जैसे ही मिलने की बात कहेंगे, मेरा विचार ये है और मेरा ये है, आपस में टकराना शुरू करेंगे। लेकिन जब भाव होगा, भाव क्या, राममय भाव हो गया, जन कल्याण का भाव हो गया, या सृष्टि के कल्याण का भाव आ गया मन में, ये सारे भाव एकत्रित हो जाएं, तो आप संपूर्ण जो ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सबके मन के भाव एकत्रित होकर एक बड़ा विशाल भाव जगत बना लेगा, और उससे जगत का कल्याण हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मंच पर अभी हम दीप प्रज्वलित करेंगे, एक दीपक अनेक दीपक एकत्रित कर लें तो सारे दीप आपस में टकराने लगेंगे। लेकिन दीप के जो लौ हैं, उसकी जो ज्योति है, ज्योति प्रज्वलित होती है तो ज्योतियां आपस में मिलती हैं और एक दिव्य प्रकाश होता है। बस यही है शब्दों का खेल। जब एक विद्वान अपने चिंतन, अपने मनन, अपने विचार, अपने साधनाओं से जब इस पूरे सृष्टि को अर्जित करता है, और उसके बाद शब्दों में अपने विचार, अपने चिंतन, अपनी भावनाओं को डालता है, वो शब्द कथा बनकर, लेख बनकर, कविता बनकर, हमारे चिंतन के रूप में हमारे मन को स्पर्श करता है और हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और कहता है कि जगत में ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये पीड़ाएं नहीं हो, ये दुख नहीं हो, ये अवसाद नहीं आने चाहिए, ये तनाव नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें खड़ा होना है। तो एक लेखिका ने, श्रीमती संध्या गुप्ता ने ऐसा ही एक प्रयास किया, इस जीव जगत को, इस समाज का अनुभव किया, इस पर एक रिसर्च किया है, और सच कहा जाए तो उनके मन की भावनाएं, उनके मन की जो संवेदनाएं हैं, वो निकलकर कथा लोक में परिवर्तित हुई है, कहानियों में परिवर्तित हुई है। पिछले दिनों भी, पिछले वर्ष भी उनकी एक कहानी संग्रह सामने आई, इस वर्ष एक नया कहानी संग्रह आपके सामने बहुत कुछ ही पलों में आने वाला है। आप उसे पढ़ेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे, जीवन का दर्शन का अनुभव करेंगे, और निश्चित रूप से आपको कहानियाँ प्रेरित करेंगी जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने के लिए। तो ये एक मैंने आपको एक भूमिका बनाई ताकि आप इससे जुड़ें और इस विषय पर निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ विचार करें, उस पर चिंतन करें, फिर मनन करें और अपने जीवन में क्रांतिमय परिवर्तन करें, ताकि आपका उपयोग इस विधाता ने जिस लिए आपको इस धरती पर भेजा है, सिर्फ स्वयं भोजन करें और वस्त्र पहने और अपने घरों में रहें, साज श्रृंगार करें, इतने के लिए नहीं है, आपका उपयोग जन कल्याण के लिए भी है। ये उत्तरदायित्व भी आपका है, आपको स्वयं आगे बढ़कर इस मानव जगत के लिए कुछ करना है। हमारी भारतीय परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलित करके आयोजन का, थोड़ा सा माइक्रोफोन का गेन और दीजिएगा, दीप प्रज्वलित करके हम आयोजन का आरंभ करते हैं। हमारा परम सौभाग्य स्वयं में दीप की तरह प्रकाशित हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। राज दीदी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप अपने तालियों के प्रणाम से उन्हें मंच पर आने का न्योता दें। अलका अग्रवाल सिकटिया जी, विवेक जी, दीदी का आशीर्वाद हमें मंच से, सभी जो हमारे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, रमेश मोदी जी, आप सभी मंच पर आए।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी से मेरा विनम्र निवेदन है, मंच पर रहें। प्रार्थना हमारी करुण पुकार है, मन को सिर्फ कोलिनियर करना है, ईश्वर से जोड़ना है, और मन के भाव जब शब्दों में फूट पड़ते हैं, हमारी आस्थाएं बलवती होती हैं, जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, प्रार्थना बनकर निकलती है। दीदी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। दीदी से विनम्र निवेदन करते हैं कि दीदी अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी आस्थाओं से हमें समृद्ध करें, और जो प्रार्थना हमारे मन में सुप्त पड़ी हुई है उस प्रार्थना को जगा दें, ताकि हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकें। दीदी, NRSP की कोर कमेटी मंच पर है और सृजन टीम हमारे सामने है। नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को कुछ इस तरह थाम लें। नारायण शास्त्र जिसे नारायण का हाथ कहता है उसे थाम लीजिए और हमारी प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज़, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह, फुर्ती, स्टैमिना से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि ही नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह की दिव्य संजीवनी ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए, इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास नारायणा, ऐसा प्रबल विश्वास कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण 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 नारायण। धन्यवाद 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 नारायण नारायण। कोर टीम का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, नारायण नारायण।
दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नारायण का स्मरण करने हेतु आपने हमारे मन को जागृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मंच पर हम एक बार फिर से इस प्रार्थना संपन्न करने के उपरांत अलका जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुधीर जी कृपया मंच पर आएं। सिंदरकर जी मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं जी, आइए मंच पर आइए, स्वागत है। सुनील जी कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी आप मंच पर आएं। संध्या जी आपके आए बगैर, आप तो होस्ट हैं, आप तो सबको आमंत्रित कर रही हैं। शैलेश जी मंच पर आ जाएं। आप जब आएं तो सबकी दृष्टि आप पर पड़ेगी कि संध्या जी ने जो विशेष रचा है उसके साझीदार हम सब बनेंगे। अब ये विशेष अवसर है जिसकी प्रतीक्षा हम लंबे समय से कर रहे थे और ये अवधि ये समय अब आया है। आपने परी कथाएं सुनी होंगी। परियां आसमान से ऐश्वर्य लेकर इस धरा पर अवतरित होती हैं। ईश्वर की विशेष प्रतिनिधि के रूप में परियां धरती पर आती हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर देती हैं। ये ईश्वर का संदेश लेकर धरा पर आती हैं और ईश्वर की जो इच्छा होती है, ईश्वर जो चाहता है, ये परी धरा पर हमें सौंपती है। ईश्वर हमें हर पल हर दिन हर समय अपने उपहारों से समृद्ध करना चाहता है। ये परियां ईश्वर से उपहार लेकर इस धरा पर आती हैं और अपने उपहार से हमें समृद्ध करती हैं, उपहार से हमें हर्षित करती हैं, उपहार से हमें आनंदित करती हैं। आज ऐसी ही एक परी आज इस ऑडिटोरियम के मंच पर अवतरित हो रही है और अपने ये उत्कृष्ट उपहार हमारे जो अतिथि मंच पर आए हैं वो अतिथि विशेष हैं, लेकिन आपके प्रतिनिधि हैं। सभी का एक साथ मंच पर आ पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता है और हम ये कल्पना कर लें कि आप सभी मंच पर हैं, आप सभी के हाथों में वही उपहार जो परी ने सबको सौंपा है आपके हाथों में है और ये उपहार बस आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है, आपके हाथों तक पहुंचने जा रहा है। लाइट्स ऑन कीजिए। जिंदगी फिर भी गुलजार है, जिंदगी फिर भी गुलजार है, जिंदगी फिर भी गुलजार है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, गुल का मतलब पुष्प फूल, गुलजार का मतलब खिला होना। जीवन में कितने भी अवसाद हों, कितने भी दुख हों, कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन फूल खिलते हैं। ही गुलजार है, जिंदगी गुलजार है। ये फूल खिले रहें, जीवन में मुस्कुराहटें बनी रहें। ये पुस्तक आपके सामने लोकार्पित हो रही है, इस पुस्तक को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे मंच पर अलका जी, शैलेश जी, गोपी जी, सिन्नरकर जी, आप सभी ने मिलकर इस पुस्तक को जो परी के रूप में आई मंच पर यह उपहार लेकर, गुप्ता परिवार की बहू खुशबू, मैं चाहता हूं इस परी के लिए भी जो इतना सुंदर उपहार लेकर आई उनके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। दीदी आसन ग्रहण करें। ये शब्द अपने आप में बहुत सुंदर है, गुलजार।
खिला हुआ, जिंदगी खिली हुई। दरअसल ईश्वर ने ये खिली हुई जिंदगी धरती पर उतारी है, लेकिन इसे हम अवसाद से, दुखों से भर देते हैं। हमें मुस्कुराते रहना है, ईश्वर का यही संदेश बार बार आता है और इस पुस्तक के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की है संध्या गुप्ता जी ने। नई आशाएं, जब भी कभी आप टूट जाएं, जब भी कभी आप बिखर जाएं, जब भी कभी आप ठहर जाएं, लगता है अब उम्मीदें नहीं हैं जिंदगी में, बस एक लौ जगा लें। आप कल्पना करें आपके पास सब कुछ है, ये शब्द आपके साथ होंगे, ऐसी पुस्तकें आपको साथ देंगी और आप आगे बढ़ें नई आशाओं की डगर पर। ये पुस्तक यही संदेश देती है। आज का अवसर है कि हम इस पुस्तक के विषय में और जो जिस सब्जेक्ट पर लेकर काम किया गया है उस पर बात हो, और हम मंच पर एक ऐसे विदुषी को आमंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले मुझे व्यक्तिगत, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है या नहीं, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का सदस्य के हैसियत से, हम लोगों ने तय किया था, हमारे मंत्री महोदय ने, विनोद तावड़े जी ने ये कहा था कि हम बुके नहीं बुक दिया करेंगे। बुक यानी पुस्तक लोगों तक पहुंचाएं। पुष्प मुस्कुराते हैं, सुगंधित हैं, लेकिन सूख जाते हैं। पुस्तकें सूखती नहीं, जीवन पर्यंत खिली रहती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अब मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन, आप जिनके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी पुस्तक का लोकार्पण हो चुका है, आपके समक्ष पहुँच भी जाएगी। और मैं चाहता हूँ जिन्होंने जीवन का अमूल्य समय निकाला लिखने में, प्रकाशित करने में और आप तक पहुँचाने को लेकर इतना बड़ा आयोजन करने में, निश्चित रूप से अभिनंदन की पात्र हैं। और उनके प्रति अपनी आस्था, प्रेम, स्नेह, आदर व्यक्त करते हुए मुझे लगता है उनकी पुस्तक आप सभी को अर्जित करनी चाहिए, वो पुस्तक आप जरूर प्राप्त करें। आज के इस अवसर पर जिस पुस्तक का, पुस्तकें अमूल्य है, उसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। व्यावहारिक जगत में, चूँकि सिन्दरकर जी हैं सामने बैठे हुए हैं, प्रकाशक हैं और उनका प्रेस है, प्रकाशित करते हैं, कागज़ खरीद कर लाते हैं, उनके कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए उसका कुछ मूल्य, एक व्यावहारिक पक्ष ये भी है, 300 रुपया रखा गया है। और आज की विशेष इस पर्व पर, लोकार्पण के उत्सव पर, उसका मूल्य 200 रुपया आप सभी के लिए रखा गया है। और मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि ये पुस्तक आज के अवसर पर आप उसे लें, अपने घर रखें, उसे पूरा पढ़ें, तब एक लेखक के प्रति सच्चा आदर और लेखक का अभिनंदन होगा। तालियां तो पर्याप्त हैं, लेकिन तालियों से अतिरिक्त आप पुस्तक अपने घर ले जाएं, अपने मित्रों को पढ़ने को दें, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, तब पुस्तक की सार्थकता है। ये जो भरा हुआ ऑडिटोरियम है, सभी के पास एक एक पुस्तक पहुंचनी चाहिए, मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है ये। अब मैं इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे विभूति को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो वरिष्ठ लेखिका हैं, कवयित्री हैं, कथाकार हैं। उनका कथा संग्रह मुर्दे कभी इतिहास नहीं रचते, बहुत से कहानियाँ, कविताएं, लेख नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। इनकी कहानी पर फिल्म बनी है, इन्होंने स्वयं लिखा है, उसकी पटकथा लिखी है, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर नियमित रूप से इनकी कहानियाँ प्रसारित होती हैं, इनके लेख प्रसारित होते रहते हैं, इनकी कविताएँ प्रसारित होती रहती हैं, अनेक मंचों पर नियमित रूप से आप सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती हैं और सामाजिक गतिविधियों से व्यापक स्तर पर जुड़ी हुई हैं। आज के युग में एक निश्चल व्यक्तित्व, जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत, सबके हितों के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, अलका अग्रवाल सिकतिया हमारे सामने बैठी हैं, मेरी अनन्य मित्र हैं। अलका जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और
अलका जी बहुत उत्साही व्यक्तित्व की धनी हैं। इतना उत्साह होता है कुछ करने के लिए कि छलक जाता है कि हमें कुछ विशेष करना है। लिखती हैं तो पूरा टूट कर, पूरा डूब कर लिखती हैं कि ये मशाल लेकर चलती हैं, अंधेरा हर लेंगी, अंधेरा दूर कर लेंगी। एक संयोग ये भी है कि पिछले वर्ष संध्या जी की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब भी और आज भी अलका जी का जन्मदिन है। आप सभी की ओर से इस मंच से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं इस मंच से हम घोषित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अलका जी दीर्घायु हों और इसी तरह स्वस्थ रहें और इनकी लेखनी इतनी ही ऊर्जावान बनी रहे ताकि समाज का, देश का, दुनिया का कल्याण हो सके। आज अलका जी साजो श्रृंगार पर बहुत विश्वास करती हैं, क्यों? दैहिक साज श्रृंगार ही नहीं, घर, परिवेश, पुस्तक, संस्कृति को भी संस्कारित करने का निरंतर प्रयत्न करती रहती हैं अलका जी। अलका जी मारवाड़ी परिवेश की है, मैं इसलिए विशेष उल्लेख कर रहा हूं। वहां मेहंदी का बड़ा सुंदर प्रयोग होता है। इनके लिए दो पंक्तियां, एक सुंदर स्त्री जो मन से अत्यंत सुंदर है, उनके लिए संसार के ज्यादातर रंग, रंग हमें विभिन्नताओं के साथ, आप देखिए तमाम रंग बिरंगे परिधान में हैं, सुंदर लग रहे हैं, रंगों का बड़ा महत्व होता है। मन रंगीला हो तो अच्छा रहता है। संसार के ज्यादातर रंग केवल स्त्रियों के लिए बने हैं। संसार के, ये पंक्तियां मैं अलका जी को उपहार स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। संसार के ज्यादातर रंग केवल स्त्रियों के लिए बने हैं, इंद्रधनुष में भी कहां होते हैं स्त्रियों की इच्छाओं जितने रंग। सात रंग हैं सिर्फ उसमें। संसार के ज्यादातर रंग केवल स्त्रियों के लिए बने हैं, इंद्रधनुष में भी कहां होते हैं स्त्रियों की इच्छाओं जितने रंग। कितने निर्जीव रह जाते रंग अगर स्त्रियां उन्हें नहीं छूती। कितने निर्जीव रह जाते रंग अगर स्त्रियां उन्हें नहीं छूती अपनी मेहंदी रची हथेलियों से। अलका जी को ये पंक्तियां समर्पित, विशेष रूप से इनके लिए लिखी थी मैंने। अलका जी से निवेदन है, आज के इस अवसर पर संध्या जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और एक संवेदनशील कवयित्री, लेखिका, कथाकार, आज एक कथाकार के विषय में कुछ कहे, उनकी रचना के विषय में कुछ कहे तो निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य होगा और सार्थक होगा। अलका जी से मैं आपके फिर से एक बार तालियों के साथ इनके जन्मदिन की बधाई के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार आनंद जी, और मैं चाहूँगी कि अब मेरा चश्मा इधर आते ही सर टूट गया, पता नहीं क्या गिफ्ट है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी है कि आज दीदी के सानिध्य में मेरा जन्मदिन मना है, मन रहा है, तो दीदी का आशीर्वाद जो मुझे मिलेगा तो मुझे लगता है कि इस साल बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ आनंद जी का परिचय शॉर्ट में करा देती हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में करा रही हूँ, क्योंकि आनंद जी की जो वाणी है वो अपने आप उनका परिचय है, मैं क्या परिचय दूँ। पर खूबसूरत आवाज़ के धनी आप सबने देख ही लिया, आकाशवाणी से उद्घोषक के रूप में आप जुड़े रहे हैं और नाटकों और धारावाहिकों के लेखन से भी आप जुड़े हैं और कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं आनंद जी ने, और बहुत सारे विशेष कार्यक्रमों की एंकरिंग की है, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन, भारत रत्न भीमसेन जोशी जी, गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी, लता मंगेशकर जी का, पंडित जसराज, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान, अनूप जलोटा, उदित नारायण, सितारा देवी और देवेन फडणवीस जी के बहुत बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं, क्योंकि आज संध्या जी का दिन है तो आनंद जी के बारे में हम कम बोलते हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आनंद जी का और धन्यवाद देते हैं कि अपने खूबसूरत आवाज़ से आज इस कार्यक्रम को वो सजा रहे हैं और सूत्र संचालन करके एक सूत्र को जोड़ रहे हैं।
और अब मैं क्षमा चाहूँगी, मैं टूटा हुआ चश्मा ही लगा करके वैसे तो कोशिश करूँगी कि बिना चश्मे देख सकूँ कल रात को ही बनकर आया था, पर कोई बात नहीं है। संध्या जी, यूँ तो दरिया में होते हैं कतरे ही कतरे, यूँ तो आप आ जाइए मेरे पास, यूँ तो दरिया में होते हैं कतरे ही कतरे, पर कतरा वो जिसमें दरिया समा जाए, पर कतरा वो जिसमें दरिया समा जाए। और जी हाँ, हम आज ऐसे ही एक कतरे की बात कर रहे हैं। ये कतरा उन खूबसूरत उस खूबसूरत जज्बे का है जो दुनिया को हमेशा हमेशा खुशनुमा देखना चाहता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, और रात और दिन होते हैं, ज़िंदगी में खुशी और गम होते हैं। अब ये हम पर है कि हम दिन के उजाले को देखें तो रात के अंधेरे को भी सेलिब्रेट करें। और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हाँ, इसलिए बीच बीच में गम के आंचल में भी खुशी के पल से हम गम के आंचल में भी खुशी के पल यूँ ढूंढ लें, ये कहने के बजाय कि ग्लास इतना खाली है, ये कहें कि ग्लास इतना भरा है। जी हाँ, यही है हमारा सकारात्मक नज़रिया, और संध्या जी के कलम में है वो नज़रिया। बिल्कुल, संध्या जी नकारात्मकता की तो बात ही नहीं करती, और ज़िंदगी में कई बार जो मुमकिन नहीं होता उसे मुमकिन होने देखता चाहता है इनके भीतर का नज़रिया। तभी तो असीम गुप्ता जी इन कहानियों में मन का आह्लाद देखते हैं। तो जाने माने वरिष्ठ कला कथाकार श्री बलराम अग्रवाल चाहे फॉर्मेट में कम फिट बैठने के बावजूद भी संध्या जी की कहानियों में भावुकता और आदर्श का परचम लहराता हुआ देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ जानते होंगे वरिष्ठ कथाकार सूर्य बालाजी के बारे में। तो सूर्य बालाजी संध्या जी की इन कहानियों को कहती हैं कि इन सत्य कथाओं को पढ़कर विश्वास दृढ़ होता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इस बात पर ताली बजाई जा सकती है, यह सूर्य बालाजी ने कहा है। और इनके कहानियाँ विश्वास की जोत जलाती हैं। मुझे लगता है कि लेखक अपने जीवन में जो जीता है उसे ही तो लिखता है, और जब उसको लिखता है तो कहानियाँ आसानी तक पाठक के दिल तक पहुँचती हैं। और मुझे मालूम है आप सब बाहर जाकर इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे हाथ में वो कब किताब आए और हम उन कहानियों को पढ़ना शुरू करें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप सबको कहीं ना कहीं वो कहानियाँ आपके दिल के नज़दीक महसूस होंगी। संध्या जी के व्यक्तित्व में शामिल है कि ये रिश्तों को बहुत अहमियत देती हैं, बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं, और ये मैं इसकी गवाह हूँ कि जब से हम मिले हैं संध्या जी का स्नेह अविरल मुझे मिलता रहा है। और देखिए कि एक कहते हैं ना सोलमेट बन जाते हैं, तो देखिए पिछली बार इनका जन्मदिन था, आज मेरा जन्मदिन है, तो शायद कहीं ना कहीं थैंक यू ईश्वर ने ये तार जोड़ कर भेजे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना प्रकृति में बहुत काम करता है, इसी के कारण संध्या जी नारायण रेखी से जुड़ी, दीदी से जुड़ी, इस पर तालियां बजा सकते हैं। और जुड़ी ही नहीं बल्कि इस परिवार का मजबूत स्तंभ बन गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार जो एक स्त्री कर रही, आनंद जी आप जो स्त्री की बात कर रहे हैं, स्त्री अकेले इतनी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसका परिवार साथ नहीं हो। तो मैं सुधीर भाई साहब के लिए यहाँ तालियां बजवानी चाहूँगी, सिद्धार्थ और सिद्धि के लिए तालियां बजवानी चाहूँगी, और आगे मैं सृजन टीम की बात करूँगी कि बहुत अच्छा लगता है कि इनके साथ इतने यंग बच्चे प्रोफेशनल एंड दे आर कमिंग टू हिंदी लिटरेचर। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी की तरफ आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये संध्या जी का व्यक्तित्व है जिसके कारण सब कुछ जोड़ लेती हैं अपने साथ में, तो ये मजबूत स्तंभ बन गई। और लॉकडाउन के दौरान जो लोग निराश थे, उदास थे, तब प्रेयर्स के द्वारा संध्या जी ने और नारायण रेखी ने, दीदी ने, सबके भीतर आशा का संचार करने का बीड़ा उठाया। और यहाँ पर करुणा जी भी बैठी हैं जो मुझे बताती हैं, जब भी मैं देश में बहुत जगह में गई हूँ और लोग कहते हैं कि बिल्कुल 3:30 बजे उठ जाते हैं और प्रेयर्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं तो खैर आपको जानूंगी पर आप मुझे जानते हैं, और आप इतना सबके बीच में खुशियाँ फैला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अलका दी एक चीज़ कहना चाहूँगी, आइए, आज 13 तारीख है और 13 तारीख को अलका दी का तो बर्थडे है ही, साथ ही हमारी ऑनलाइन प्रेयर्स का भी बर्थडे है। अरे वाह, आज हमारे 11 महीने पूरे हुए हैं
और उसका पूरा का पूरा श्रेय दीदी को जाता है कि दीदी फिक्स हमारे दो शेड्यूल्स होते हैं, मॉर्निंग में हमारा 4:15 का शेड्यूल है और आफ्टरनून में हमारा 11 का शेड्यूल है, और इन 11 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, एक भी दिन, हर दिन ठीक 4:15 और ठीक 11 हमारी प्रेयर्स शुरू हो जाती है। जिस दिन पहला दिन था हमने 500 लोगों के साथ प्रेयर स्टार्ट किए थे और आज हमारे साथ 30,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज जुड़े हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दीदी ने बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें बताई जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा थी, जिन्हें हम आउटडेटेड समझकर भूल चुके थे, लेकिन जब हमने वापस उनको अपनाया और वापस अपनाकर उनसे अपने जीवन में बहुत सारा विकास देखा तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ गए। अगर एक दिन भी हम अपना लिंक फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं तो हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं कि आपको पता नहीं है ये लिंक और आपकी प्रेयर हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। सो ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है हमारे NRSP के लिए। जी बिल्कुल सच कह रही हैं संध्या जी आप, और मैं क्योंकि मैं मैंने कभी कभी जुड़ पाती हूँ क्योंकि शायद मेरे जो पुण्य पहले के जन्मों के पापों का फल अभी धीरे धीरे भरना होगा, तो बाकी जिनका भर चुका है वो 3:30 एग्जैक्टली उठ जाते हैं। और देखिए 13 को मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो खैर, और ये देखें कि विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता ढूंढना, चुनौतियों को हंसते हुए स्वीकार करना नारायण रेखी का उद्देश्य है, जैसा कि अभी संध्या जी ने बताया और दीदी कर भी रही हैं। तो संध्या जी से जब भी बात करो ध्वनित होता है यही सच। इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ कोरोना काल में लिखी गई हैं। बेशक इस समय में इस जो लॉकडाउन पीरियड ने रिश्तों को नए तरीकों से परिभाषित किया, कहीं अधिकतर रिश्ते अच्छे हुए। हम ये क्यों कहें कि दीदी कहती नेगेटिव बात नहीं करो तो हम ये क्यों कहें कि ख़राब हुए, हम कहते हैं बहुत से अच्छे हुए हैं। और संध्या जी की एक कहानी में उस बात को हम देखते भी हैं। तो और यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की सेवा कर रहे थे, बहुतों ने देखा और बहुतों ने उसे लिखा भी अपने अपने तरीके से। पर संध्या जी की कहानियों में सकारात्मक पहलू को ही हम यहाँ पर देखते हैं और नमी भरी आंखों में सुकून की मुस्कान आती है जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं। तो मैं अगर हर कहानी के बारे में बता दूंगी तो आप लोगों की जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी और फिर आप किताब लेकर पढ़ेंगे नहीं, तो मैं नहीं बताऊंगी। अब मेरा ही एक शेर है कि हवा के सामने छोटे दिए क्या काम आएंगे, हवा के सामने छोटे दिए क्या काम आएंगे, अंधेरों को मिटाना है तो फिर शबताब बन जाओ। तो दीदी जैसे, संध्या दीदी जैसे लोग और आप सब जो नारायण रेखी से जुड़े हैं, आप सब के लिए भी समर्पित था ये शेर। और आप सब अंधेरों में दीपक, एक अंधेरे में तो छोटा सा दीपक भी राह दिखाता है, लेकिन आप सब शबताब बने हुए हैं। तो आप क्योंकि जीवन प्रकाशित कर रहे हैं और संध्या जी की कहानियाँ भी बिल्कुल यही कर रही हैं। तो फिल्म के गीत की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका दीना है, जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ, संध्या जी की कोशिश बिल्कुल यही है जो संदेश देती हैं अपनी कहानियों से, कि जीवन में जड़ की तरह जगह बनाओ, क्योंकि जड़ किसी को दिखती नहीं है, लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं तो वृक्ष मजबूत नहीं होगा, और जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है वो वृक्ष खिला बिल्कुल फूला फला हुआ होता है। तो संध्या जी की कहानियाँ उस जड़ की तरह हैं। अब ये संध्या जी की कहानियों के समीक्षक पर अपनी अपनी तरह से उन्होंने बातों को रखा है। साहित्यिक पैमानों को हम थोड़ा सा दरकिनार करें तो इन कहानियों को मैं उन नैतिक कहानियों की तरह मानती हूँ जो हम बचपन में अपने सिलेबस में पढ़ते थे। तो मैं तो यहाँ अगर कोई सरकार का आदमी बैठा है तो उनको बोलूँगी कि इन कहानियों को सिलेबस में लगाया जाए, क्योंकि ऐसी हैं संध्या जी की कहानियाँ। अब एक स्त्री अपने घर परिवार के लिए बौना बनते बनते बोंजाई बन जाती है, पर एक कहानी संध्या जी की है जिसमें ये बेटा समझता है कि उसकी माँ ने अपने सपनों को
छोटा किया। तो यहाँ मैं संदेश देना चाहती हूँ उन सभी बेटों को कि उनका भी दायित्व है कि जब वो सक्षम बन जाएं तो अपने माँ के सपनों को वो हवा दें, उन्हें परवान चढ़वाएं, जैसे संध्या जी की कहानी में हम देखते हैं। तो मैं कहूँगी तो कहती ही चली जाऊँगी, और मुझे अभी यहाँ पर वो इंडिकेशन भी आ गया कि अब मैं बंद करूँ। क्या है ना कि वो प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ तो बोलती जाती हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगी ज़्यादा, बहुत लोगों को बोलना है। तो हम अब यहाँ पर यही कहेंगे कि संध्या जी ने जीवन से तथ्यों को उठाया है, और संध्या जी सुधीर जी की सही मायने में जीवन संगिनी है, क्योंकि उनके साथ स्प्रेड अ स्माइल के थ्रू वो बहुत से सामाजिक काम कर रहे हैं, बच्चियों का विवाह करवाती हैं, बच्चियों के एजुकेशन के लिए काम करती हैं। और एक बात और कि संध्या जी ने मेरी बात मानी और उनकी देखे 2 साल में 2 किताबें आ गई। पर संध्या जी आपने मेरे घर में बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुम दूसरों को भाषण देती हो, अपनी किताब कब लाओगी और जल्दी से दूसरी। तो अब मुझे भी आप मेरी प्रेरणा बन गई कि मैं अपनी किताब लेकर आऊँगी। तो अब यहाँ इस संग्रह के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आप में निरंतर ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का संचार हो, मेरी यही दुआ है। और यहाँ आप सब के लिए एक शेर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब इतने खूबसूरत कार्यक्रम में दीदी के सानिध्य में है कि मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे तो आसमान बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे तो दास्तान बनना है। और संध्या जी आपके लिए बस एक शेर के साथ मैं बात ख़त्म करती हूँ कि ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, वो काम कर के तुझे ये जहां सलाम करे, ये जहां सलाम करे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मित्रता कैसे निभाई जाती है, एक प्रतीक है, एक उदाहरण है अलका जी, मित्रों के प्रति समर्पित, और मित्रों के प्रति जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है उसके प्रति पूरी तरह जागरूक रहती हैं अलका जी। मैंने निवेदन किया था ये पुस्तक आपके घरों में होगी, आप पढ़िएगा ज़रूर, लेकिन कैसे पुस्तकें कैसे पढ़ी जाती हैं, एक लेखक की दृष्टि से पुस्तक को पढ़ें तो और आनंद आएगा। मैं मंच पर एक ऐसी लेखिका, कलाकार, निर्देशक, प्रोड्यूसर जो संपूर्ण है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनकी फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई है मुझसे दोस्ती करोगे, बस यारी रखो, ये 2 फिल्में बड़ी चर्चित रही हैं, इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, और लेखन, अभिनय, निर्देशन, प्रस्तुतियों से जुड़ी रही, और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिले, वी शांताराम अवार्ड आपको मिला है। इनकी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की गई समारोहों में, और बड़ी चर्चा हुई इनकी फिल्मों पर, ये फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी के हैसियत से जुड़ी रही, और पूरा जीवन कलात्मक है। मैं गोपी देसाई जी को मंच पर पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि संध्या जी की एक कथा अपनी वाणी से उसे आकार दें, और आप सबके हृदय पर, मैं तो ये कहूँगा, कथाकार ने अपनी कथा लिख दी है और उसे शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से आपके हृदय पर फिर से लिखने का काम गोपी देसाई जी करेंगे। मंच पर स्वागत है, आइए, और मैं चाहूँगा तालियाँ बड़ी ज़ोरदार होनी चाहिए। हमने सोचा था हम बैठ कर पढ़ेंगी, पर खैर ऐसे ही पढ़ देती हैं जी। कहानी का नाम है आखिरी वादा। इज इट बेटर है? थैंक यू। कहानी का मुख्य किरदार हैं कर्नल रविंद्र सिंह जी, उनकी माँ बीजी, उनके बाऊजी, उनकी पत्नी नंदिता और उनकी बेटी रानो। शुरू करती हूँ कहानी। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। कर्नल रविंद्र सिंह 1 महीने की छुट्टी पर घर जो आए थे, सीमा पर जो कुछ भी चल रहा था उसमें छुट्टी मिलना मुश्किल था, पर रानो और उसकी माँ नंदिता की दुआओं का ही परिणाम था कि रानो के पिता कर्नल रविंद्र सिंह जी को इस हिदायत के साथ
कि आवश्यकता पड़ने पर वो तुरंत सीमा पर पहुंच जाएंगे। रानों के विवाह के लिए उनको छुट्टी मिल गई। पूरे घर में उत्सव का माहौल है। पूरी कोठी खुशियों की रोशनी में डूबी हुई है। कर्नल की इकलौती बेटी है रानो। जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं कर्नल साहब उसको। विवाह की एक एक तैयारी कर्नल साहब अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। कपड़े लत्ते गहने से लेकर किसको क्या दिया जाएगा, क्या मिठाई बनेगी, मेहमान कहाँ ठहरेंगे, रानो के ससुराल वालों को उपहार, मेहंदी, संगीत, हर चीज की प्लानिंग में कर्नल जोश खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। न जाने कितने वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि वो अपने घर में ही इतने लंबे समय के लिए आए हैं। उनकी सीमा पर लगातार ड्यूटी ने उन्हें अपने ही घर में मेहमान बना दिया था। रानो, उनकी गुड़िया, उनकी आंखों का तारा, अपने दादा दादी की छांव में ही पली बड़ी थी। पापा बहुत प्यार करते हैं उसे, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी, पर पापा का यूँ दूर रहना उसको अच्छा ना लगता। छोटी थी तो बात बात पर उलझ जाती थी, रूठ जाती थी पापा से, और तब तक ना मानती थी जब तक पापा उससे ये झूठा वादा न करते कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर जितने दिन कन्नर साहब घर रहते, रानो को अच्छी अच्छी फौज की कहानियाँ सुनाते, मातृभूमि की महत्ता और उस पर जान कुर्बान कर देने वालों की कहानी सुनाते। बस ऐसे ही दादा दादी के लाड़, पापा और माँ के दुलार में रानो बड़ी हुई थी। बहुत गर्व है उसे अपने पापा पर और माँ पर। पापा ने रानो से हमेशा कहा, बेटा मैं मातृभूमि का ध्यान रख रहा हूँ, तुम मेरी माँ और अपनी माँ का ध्यान रखना। मेरी माँ महान है जिसने इकलौता बेटा पैदा होने के बाद भी मुझे फौज में भर्ती होने दिया, और तुम्हारी माँ महान है जो अपने फौजी पति की ढाल बन हमेशा उसका हौसला बढ़ाती है, तुम्हारे लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाती है। सचमुच उसकी दादी और माँ बहुत अलग हैं। हमेशा दूसरों की मदद करना, हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए प्रयत्नशील रहना, ये उनका स्वभाव है। पर रानो को लेकर दोनों ही बड़ी पजेसिव हैं। एक पल भी रानो इधर उधर हुई नहीं कि कर्नल साहब की माँ और पत्नी दोनों घबरा जाती हैं। अभी कर्नल साहब और नंदिता के विवाह को मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे कि कारगिल का युद्ध छिड़ गया। अंदर से बहुत भयभीत थी नंदिता, पर चेहरे पर फौजी की पत्नी का ऐसा साहस ओढ़ विदा किया था नंदिता ने कर्नल साहब को। कर्नल साहब के जाने के अगले दिन ही नंदिता को रानो के आने की आहट महसूस हुई थी। बहुत चाहती थी तुरंत कर्नल साहब को बताएं, पर कैसे बताती, फौज में मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रयोग की अनुमति जो नहीं है। जब भी कोई मैसेज देना होता सीओ के माध्यम से भेजना होता, ऐसे में अपने माँ बनने की खबर लाज के कारण कर्नल साहब तक दे नहीं पाई थी नंदिता। 2 महीने बाद कारगिल युद्ध में घायल कर्नल साहब आर्मी अस्पताल पहुंचे थे। जब ये खबर नंदिता, बीजी और बाबूजी तक पहुंची तो सब अस्पताल पहुंचे। कर्नल अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़े थे। दुश्मनों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ते हुए पैरों में गोलियों के शिकार हुए थे कर्नल। नंदिता भले ही फौजी की पत्नी थी, पर दिल तो मासूम प्रेमिका का ही था जो अपने प्रेमी की तकलीफ से घबरा उठा था। बेड पर कर्नल का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोई थी नंदिता। बेहोशी की दवाई का असर खत्म होते ही कर्नल ने आंखें खोली, नंदिता और बीजी को देखकर मुस्कुराए रविंदर और बोले, बीजी मैं तेरे दुद्ध दी लाज रख दी, मैं दुश्मना दे छक्के छुड़ा देते न। फिर नंदिता का हाथ पकड़कर बोले, रोंदे क्यों हैं,
फौजियां दी पत्नियां दी अखां चो तोपां दी गोलियां निकलनी चाहिए निकलनी चाहिए ना। नंदिता के आंसू और तेज हो गए और उसने आहिस्ते से कर्नल का हाथ अपने पेट पर रख दिया। खुशी की आहट से दीवाने हुए कर्नल ने सबके सामने नंदिता को बाहों में भर लिया था। कर्नल की बाहों में सुकून मिला नंदिता को, पर मन भयभीत हो गया और वो कह बैठी कि यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या होता हम सबका। कर्नल बस मुस्कुरा दिए थे और बोले, नंदी तुम्हें फौजी परिवार में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत बड़ा और बहुत ही परवाह करने वाला होता है ये परिवार। मैं कुछ समझी नहीं, नंदिता बोली। कर्नल सिर्फ मुस्कुरा दिए। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह अपने भाई को राखी बांध जब नंदिता कर्नल से मिलने अस्पताल के लिए निकली तो एक हुक सी उठी नंदिता के मन में। कर्नल की सूनी कलाई की कल्पना ने उसे उदास कर दिया था। जब नंदिता अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कर्नल के दोनों हाथ राखियों से भरे हुए थे। वो आश्चर्य से भर गई। शहर भर के सभी विद्यालयों की बच्चियां अपने सैनिक भाई को राखी बांधने सुबह से पहुंच गई थी। आप समझी थी नंदिता, कर्नल द्वारा बताए फौजी परिवार की परिभाषा। उसने निर्णय कर लिया कि वो अपने वीर पति की ताकत बनेगी। तभी एक ऑफिसर ने आकर बताया कि कर्नल को उनकी वीरता के लिए गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। सप्ताह भर बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब कर्नल घर आ रहे थे तब डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी कर्नल, आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू गो इन द फील्ड अगेन। झटका लगा था कर्नल को, पर अपने हरफन मौला और जिंदा दिल मिजाज के मुताबिक खुश होते हुए बोले, चल नंदिता, कुछ समय साथ बिताने का मौका दिया परमात्मा ने। अस्पताल से निकलते निकलते कर्नल ने यह निर्णय ले लिया कि वो अपनी पीस पोस्टिंग का लाभ उठाकर स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट कर लेंगे और फिर मौका लगा तो फील्ड में जाकर देश की रक्षा का कार्य जरूर करेंगे। फिर एक लंबे अरसे तक कर्नल पीस पोस्टिंग पर रहे, पर बीजी बाऊजी रानो हमेशा चंडीगढ़ में ही रहे। कर्नल की पीस पोस्टिंग छोटी छोटी जगह पर थी जो रानो की पढ़ाई के हिसाब से उन्हें उपयुक्त न लगी थी। जब कभी बड़े शहर में पोस्टिंग मिली तो बाऊजी बीजी की सहूलियत और इस उम्र में उन्हें हर तीसरे वर्ष होने वाली पोस्टिंग और माहौल बदलने की असुविधा के ख्याल से नंदिता और कर्नल साहब ने यह निर्णय लिया कि वो आते जाते रहेंगे। कभी कर्नल चले आते, कभी नंदिता रानो को लेकर चली जाती। जब तक रानो छोटी थी सब ठीक रहा। नौवीं में आते ही नंदिता और रानो का कर्नल के पास आना जाना बंद हो गया। कभी छुट्टियों की समस्या आ जाती, कभी असाइनमेंट जमा करने की, कभी डेट की, कभी कोई कंपटीशन आ जाता। कर्नल रानो की पढ़ाई को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने रानो की पढ़ाई का हर्जा कर उनके पास न आने की सख्त ताकीद दी थी नंदिता को, लेकिन जीवन चलता जा रहा था। कर्नल ने स्वयं के ऊपर बहुत मेहनत की और स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बना लिया। जब उनके हाथ में फिटनेस का सर्टिफिकेट आया था तो रानो को गोदी में लेकर झूम झूम कर नाचे थे कर्नल, और फिर बीजी और बाऊजी से बोले थे, देखना बाऊजी, एक दिन आपके बेटे को परमवीर चक्र जरूर मिलेगा। फौज के इतने लंबे जीवन में उन्होंने अपने कार्य के लिए कई मेडल और पद प्राप्त किए थे, कई प्रमोशन पाए थे, पर आज भी वो अपने आप को कर्नल ही कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि कर्नल ही पहला शब्द था जिससे पहली बार संबोधित किया था रविंदर को उनकी गुड़िया रानो ने।
कभी पीस पोस्टिंग कभी फील्ड पोस्टिंग के बीच जीवन चल रहा था। सब खुश थे। रानों की बहुत अच्छी परवरिश की थी नंदिता ने। 5 फीट 7 इंच की गोरी चिट्टी रानों ने बीटेक की डिग्री हासिल कर ली थी और फौज की इंजीनियरिंग सर्विस को ज्वाइन कर लिया था। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर वरुण से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब रानों का विवाह था। सोचते सोचते मुस्कुरा उठे कर्नल। कितनी जल्दी निकल जाता है समय। ऐसे लगता है अभी कल की तो बात है जब रानों का जन्म हुआ था और अब उसका विवाह होने जा रहा है। अब रानो अपने पति के घर चली जाएगी। क्या रह पाओगे कर्नल रविंदर सिंह अपनी रानो के बिना? खुद ही अपने से सवाल कर बैठे थे रविंदर। क्यों तो उनको आदत थी रानो के बिना रहने की, पर विवाह के बाद अपनी जिम्मेदारियों के चलते एक बेटी की अपने पिता से जो दूरी हो जाती है उसके ख्याल से सिहर गए थे रविंदर। तभी चहकती हुई रानो आ खड़ी हुई उनके सामने। पापा मैं कब से आपको पुकार रही हूं, आप न जाने किन ख्यालों में डूब जाते हो। पापा ये चलो जल्दी करो पापा चलो, मेरा लहंगा उठाना है, चूड़ा भी उठाना है, कहकर रानो रविंदर का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कार की ओर ले गई। वहां पहले से खड़ी नंदिता बोली, कर्नल साहब बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं पर बेटी के आगे बोलती बंद। नंदिता के मजाक पर सब जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े और मार्केट की ओर चल दिए। 15 दिन ही बचे थे रानो के विवाह को। मार्केट आ गया था। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं, जब तक तुम लोग लहंगा ट्राई कर लो, कहते हुए रविंदर पार्किंग की ओर बढ़े। तभी मोबाइल बजा। ऑफिसर राव का फोन देख चौंके रविंदर। कमांडिंग ऑफिसर ने बिना भूमिका के कहा, मैं जानता हूं आपकी बेटी की शादी है पर सीमा पर जो हालात हैं उससे लड़ने के लिए जो स्पेशल ऑपरेशन करना है उसके लिए मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुरंत ज्वाइन करो, कहकर फोन रख दिया मिस्टर राव ने। बहुत साहस से रविंदर ने यह बात रानो के साथ साथ सबको बताई। रानो की विदाई तक लौट आने का वायदा कर रविंदर एक बार फिर फील्ड में आ गए। चीन के द्वारा सीमा पर अनाधिकृत कब्जे से सेना में खलबली मची हुई थी। कर्नल रविंद्र के नेतृत्व में एक टुकड़ी का गठन किया गया जिसका कार्य दुश्मनों द्वारा अधिकृत जमीन को वापस करना था। रविंदर जोश से भर गए थे। रात का समय था। कर्नल रविंदर की अगुवाई में सेना आगे बढ़ने ही वाली थी कि उन्हें सूचना मिली कि दुश्मनों ने एक बार फिर सीमा अतिक्रमण किया है और इनका इरादा माइन ब्लास्ट का है। जिस लोकेशन के लिए सूचना थी उस लोकेशन पर करीब 20 जवान तैनात थे। कुछ ही मिनटों में इन माइंस के फटने की सूचना थी। कर्नल जल्दी से अपनी जोंगा में बैठ अपने जवानों को बचाने के लिए आगे बढ़े। वो माइन से बचते बचते आगे बढ़ते गए और सभी जवानों को सुरक्षित बचाने में सफल हो गए। पर सुबेदार राम सिंह नहीं दिखाई दिए। दूर से देखा तो कर्नल को सुबेदार उस जगह पर खड़े दिखाई पड़े जहां माइंस थे। समय की नजाकत देख वो तेजी से दौड़े और झटके से सूबेदार राम सिंह को खींच लिया, लेकिन इस गफलत में उनका पैर माइंस के एक सिरे पर जा पड़ा। जोर का विस्फोट हुआ और कर्नल धुएं के गुब्बारे में खो गए। पूरी की पूरी टुकड़ी स्तब्ध हो गई। कर्नल की धुंधलाती आंखों में एक बार रानो का चेहरा घुमा और दूसरे ही पल दुश्मनों द्वारा बिछाई माइंस का नक्शा। भारत माता की जय कहते हुए कर्नल उन माइंस पर कूद गए। अगर वह ऐसा न करते
तो न जाने कितने जवानों की जान चली जाती। धरती माँ का सपूत मिट्टी में मिलने लगा। किसी तरह कर्नल के ध्वस्त हुए शरीर को लेकर टुकड़ी बेस तक पहुंची। बारात आने का समय हो गया था। सब कर्नल का इंतजार कर रहे थे। रानू को अपने पापा पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर आएंगे। उसकी आंखें निरंतर दरवाजे की ओर थी। बीजी बाऊजी नंदिता वाहेगुरु से अरदास कर रहे थे कि रानू की विदाई से पहले रविंदर पहुंच जाए। उन सबको पूरा विश्वास था कि रविंदर जरूर आएंगे और हमेशा की तरह अपने वायदे को निभाएंगे। फेरे हो चुके थे तभी नंदिता के मोबाइल पर ब्रिगेडियर राव का मैसेज आया, प्लीज कॉल। फोन हाथ में लेते हुए न जाने क्यों नंदिता का मन घबराया। ब्रिगेडियर राव कह रहे थे, मेरा दोस्त शहीद हो गया, हम उनको लेकर पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन पर जाने से पहले उन्होंने कहा था, ब्रिगेडियर साहब यदि मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे रानू की विदाई से पहले घर छोड़ाना, वायदा किया है मैंने अपनी गुड़िया से। तभी नंदिता को ढूंढते बाबूजी वहां आए। नंदिता के बहते आंसुओं ने उन्हें सब समझा दिया जो एक बाप कभी समझना नहीं चाहता। नंदिता के हाथ से उन्होंने फोन लिया, उसके सिर पर हाथ फेर रविंदर की बीजी को आवाज दी। विदाई की बेला थी। नंदिता बाऊजी और बीजी खामोश थे। रानो समझ रही थी उसके जाने से उदास है। शक्तिमान ट्रकों की आवाज रानो बचपन से पहचानती थी। आवाज सुन तेजी से बाहर की ओर भागी रानो और पीछे पीछे सारा परिवार। ब्रिगेडियर राव को देख रानो ने उनसे पूछा, पापा कहाँ हैं अंकल? मुझे पता है कि वो हमेशा की तरह अपना वादा जरूर निभाएंगे। पापा कहाँ छिपे हैं? बाहर आओ। कहाँ हो पापा? मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी। आपने मेरी विदाई से पहले आने का वादा किया है और आप आ गए। पापा आई एम सो हैप्पी, पापा प्राउड ऑफ यू पापा। ब्रिगेडियर अंकल पापा को सामने आने को कहो ना ब्रिगेडियर अंकल, थुनकते हुए बोली रानो। ब्रिगेडियर ने सिर झुकाकर बाहर की ओर इशारा किया। बाहर ट्रकों का काफिला और आगे आगे सजे ट्रक पर तिरंगे में लिपटे अपने पापा को देख बदहवास सी हो ट्रक की ओर दौड़ी रानो। उसने हमेशा की तरह पापा को गले लगाया, उन्हें एक सलामी दी और वरुण की बाहों में बेहोश हो गई। नंदिता के सामने निशब्द खड़े थे मिस्टर राव। जोर जोर से कर्नल रविंदर जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। बीजी बाऊजी ने अपने शहीद बेटे और नंदिता ने अपने पति कर्नल रविंदर को विदाई दी। कर्नल ने हमेशा की तरह अपना वादा निभाया था। वो रानो की विदाई से पहले ही आ गए थे पर इस बार तिरंगे में लिपटे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी देसाई जी, ये कथा हमारे दर्शकों तक पहुंची। अब हमारे पास समय आज बहुत कम है, नहीं के बराबर समय को पंख लग गए हैं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं मंच पर आएं और अपनी बात रखें और समय सिर्फ 2 मिनट। मैं शैलेश जी के लिए बता दूं, दूरदर्शन की अधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम रही हैं और इन्हें गीतकार हैं, कवयित्री हैं और लोरियों पर इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी पुस्तक को राष्ट्रपति ने विमोचन किया है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन की रंगोली जो आप देखा करते थे, शैलेश जी रंगोली सजाती हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। अपने कंठ से जब लोकगीतों को छू लेती हैं, इनके गले के सांचे से लोकगीतों का श्रृंगार होता है। शैलेश जी आएँ और बहुत कम समय हमारे पास है। नहीं, आज ऐसी व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है जी।
मैं यहाँ आई अलका हमारी छोटी बहन जैसी उनके कहने से, और इस ऊर्जा में बैठ के दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बड़ा ही आनंद आया। और कहानी संध्या जी ने जो कहा कि कहानी जो है ना उसमें हम सब पात्रों को जीते हैं। अभी जैसे गोपी देसाई जी हमारी नेशनल अवार्डी फिल्म मेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर जो सुनाई कहानी संध्या जी, दिल को छू गई। तो इतनी मार्मिक, और वो परिदृश्य सारा सामने आ गया कि कैसे वो बेटी भागी और पिता कैसे अपने वादा पूरा करते हैं। हमारे सेना पर जो लोग भी तैनात हैं उन्हीं के चलते आज हम यहाँ हैं, और आपने उन्हें इतनी सुंदर उनकी कार्यशैली को दर्शाया है जिस पे अभिमान है मुझे। संध्या मतलब दिन और रात के मिलन का पल, उसे हम संध्या कहते हैं। आपकी कहानियों को छोटा करके अलका अग्रवाल जी जो शायरा भी हैं, उन्होंने कुछ मुझे 3-4 पंक्तियाँ दी थी। जैसा कि समय बहुत कम है, वैसे भी आजकल समय किसी के पास नहीं होता। इस पैंडमिक ने इस बात को बहुत अच्छे से भी दर्शा दिया कि अब समय ही समय लोगों के पास है। फिर भी नहीं, ठीक है, मैं इसे सिर्फ अपना कोशिश करती हूँ कि स्वर से कुछ कह सकूँ। संध्या जी, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो दीदी नारायण कृपा करें। दिन और रात के मिलन पलों को संध्या कहते हैं। उदासी के अंधेरों में उम्मीद ही तो दिया बन आती है। क्या हुआ चुनौतियां कर रही हैं जीना जो दुश्वार, क्योंकि इन सब के बावजूद भी जिंदगी फिर भी गुलजार है। जिंदगी फिर भी गुलजार है। जिंदगी फिर भी गुलजार है। खुद की कोख से दूसरों को माँ का सुख जो देती हैं, एंजल बन उन अधरों पर जो मुस्कान सजाती हैं। जीना उसका जीना है जो औरों का जीवन सजाती हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने का मकसद तो संध्या की कहानियाँ सिखाती हैं। संध्या की कहानियाँ सिखाती हैं। हाँ जी हाँ, खुशियाँ बाँटो। हाँ जी हाँ, खुशियाँ बाँटो तो ही जीवन में हर पल उत्सव है। क्या हुआ चुनौतियाँ जो कर रही हैं जीना दुश्वार, खुशियों की भी तो अपनी बहार है। कभी जीत है तो कभी हार है। कभी जीत है तो कभी हार है। जिंदगी फिर भी गुलजार 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 है। नमस्कार। आप सभी में सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दे रही हैं, भर रही हैं कहानियाँ, जिसे कहने में कोई हानि नहीं है वो कहानियाँ आप कह रही हैं, क्योंकि इन कहानियों में हम कहीं न कहीं होते हैं, हमारे मन को दिल को छूती हैं ये कहानियाँ। प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, आपके कंठ से ये शब्द श्रृंगारित हो गए, शब्द स्वयं धन्य हो गए, सज गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
समय हमारे पास सच में बहुत कम है, हमको बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना है। अब मैं आज के आयोजन की एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिनके आशीर्वाद के बाद हमें अपने जीवन के प्रति कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। जिनका उद्देश्य है इस कलयुग में सतयुग लाना, जिनका कहना है अपने को हटा दीजिए वहां ईश्वर आ जाएगा, जहां मैं समाप्त कर दूं वहां ईश्वर होगा, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, राज दीदी से प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मन के अंधेरों को दूर करें, मन को प्रकाशित करें। एक बार और जोरदार तालियों से आह्वान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नारायण नारायण। एक बार पुनः आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आज बहुत बड़ा दिन गुप्ता परिवारों के लिए, नॉट परिवार, मोर देन वन परिवार। सुखद संयोग है ये कि संध्या जी पीहर से भी गुप्ता है और ससुराल से भी गुप्ता है। एक जगह बेटी तो दूसरी जगह बहू, और उनकी लिखी पुस्तक का आज के दिन विमोचन। दोनों परिवारों को ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी बधाई, विशेष बधाई संध्या जी आपको इतनी मेहनत करने के लिए, और उससे अधिक अधिक आपसे कई गुना अधिक बधाई हमारे उदार मना सुधीर जी गुप्ता को, हाँ, जिनके सानिध्य की वजह से और बच्चों के सहयोग की वजह से आज इतना बड़ा दिन हमें देखने मिल रहा है। अब इस पुस्तक की बात, जिसका विमोचन अभी अभी हुआ है, और आदरणीय भाई साहब ने कहा कि आप इस पुस्तक को साथ लेकर जाएं। क्यों साथ लेकर जाएं, इस बाबत बात करते हैं। आप बैठ जाइए। हाँ, नंबर वन, जब आप इसे पढ़ेंगे, इसमें लिखी कहानियां पढ़ेंगे जो संध्या जी ने दिल से लिखी है, दिल से, नॉट इधर से ना, इधर से निकली हुई कहानियां हैं, तो आपका विश्वास और दृढ़ और मजबूत हो जाएगा। कई चीजें अलका जी बोल चुकी हैं इस पुस्तक की बाबत, और हो सकता है, नहीं होगा कि सिमिलर शब्द निकलेंगे, पर ये मेरे अपने मन के भाव हैं और वो उनके मन के भाव थे। तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा कि दुनिया सचमुच में बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो बाबूजी की छोटी बहू हो या फिर C-19 के दौरान अनवरत अपनी सेवा देती एंजल परी। संध्या जी ने
अपनी कहानियों के माध्यम से इस दुनिया के लिए एक सुंदर सपना देखा है। न सिर्फ देखा है बल्कि दिखाया भी है, देखा भी है दिखाया भी है, और उसके ऊपर इस सुंदर दुनिया को वो अनवरत सुंदर बनाने में कार्यरत है। नंबर दो, इनकी लिखी कहानियां, संध्या जी की लिखी कहानियां पाठक को बांधे रखती है। जो पात्र हैं वो जाने पहचाने अपने लगते हैं। कहानियां पढ़ते वक्त ये भाव भीतर आता है कि अरे ये तो मेरी अपनी कहानी है, या मेरे इर्द गिर्द ये प्रसंग घटित हो रहे हैं, और वही इन कहानियों की ताकत है। इन्हें ढेर सारे पाठक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके लिखे कहानियों को पढ़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ मिलेगी ढेर सारी सराहना भी। नंबर तीन, जैसा कि अलका जी ने कहा कि इनकी कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे नैतिक जीवन मूल्य समझ सके। इनकी लिखी कहानियां वो दीपक है जो न सिर्फ वहां का अंधेरा दूर करती है, बल्कि राही को, पथिक को राह भी दिखाती है। एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी इंसान संवेदना से भरपूर। नंबर चार, कहानियां पढ़ते पढ़ते यदि आपके आंखों के पोर भीग जाएं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी आपने कहानी एक सुनी और हमने कईयों को यहां से आंखों को नम होते हुए देखा है, झुक कर रुमाल से आंसू पोंछते हुए देखा है, यानी दिल को छू लेने वाली कहानियां। अभी तक जितनी भी बातें आपने संध्या जी की लिखी कहानियों की बाबत सुनी, प्रशंसा सुनी, एप्रिशिएशन सुना, इसमें एक भी शब्द मेरा अपना नहीं था, नॉट अ सिंगल शब्द। ये तो उद्गार हैं पद्मश्री अवार्ड प्राप्त श्री ज्ञान जी चतुर्वेदी के, वरिष्ठ कथाकार सूर्य बालाजी के, और यहाँ मौजूद अलका जी सिकतिया, और साथ ही साथ श्री बलराम जी अग्रवाल के, जो इस क्षेत्र में काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। जब उन्होंने संध्या जी के लिखे कहानियों के बाबत इतनी सुंदर बातें लिखी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये पुस्तक क्यों घर लेकर जाना है। और किस सफलता की ऊंचाइयों पर यह पुस्तक पहुंचेगी, इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब इतनी बातें आपने इस पुस्तक के बाबत सुने, अब मेरा अपना अनुभव एकदम सीधी सरल भाषा, आम व्यक्ति भी आसानी से जिसे पढ़ सकता है,
समझ सकता है और जो संदेश दिया है उसे ग्रहण कर सकता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां, प्रेरणा देने वाली कहानियां, प्रोत्साहन देने वाली कहानियां, सबक सिखा जाने वाली कहानियां, और खास बात ये कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं पूरी करे बगैर आप इस पुस्तक को नीचे नहीं रख पाते हैं, और उससे भी ऊपर एक बात ये कि जब पढ़ने के बाद इस पुस्तक को आप नीचे धरते हैं आप फील गुड के भाव से, पॉजिटिविटी के भाव से भरे होते हैं, क्योंकि अधिकांश कहानियां, अभी जो सुनाई गई उसकी बात अलग है, लेकिन अधिकांश कहानियों में हैप्पी एंडिंग दिया गया है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे राजा रानी की कहानी, बीच में थोड़ा सा क्लाइमेक्स आया करता और उसके बाद अंतिम लाइनें होती और फिर वो राजा रानी खुश होकर सुखी होकर अपना राज्य करने लगे, उसी की तरह ये कहानियां हैं। और आप पाएंगे कि कहानी के भीतर कहानी में एक पात्र ऐसा है, कैरेक्टर, एक चरित्र ऐसा है जिसके भीतर, ये तो नहीं कहूँगी कि कूट कूट कर, बट भरपूरता के साथ अच्छाई और इंसानियत भरी पड़ी है, भरी पड़ी। एक पात्र ऐसा है जिसकी वजह से ही जब कहानी की पूर्णाहुति होती है, आप पुस्तक नीचे धरते हैं, फील गुड के भाव से आप भरे होते हैं, सकारात्मकता से आप भरे होते हैं। तो जब हम आत्मचिंतन कर रहे थे तब ये प्रबल भाव भीतर आया कि इनकी कहानियों में कोई न कोई एक पात्र जो अच्छाइयां और इंसानियत से लबालब भरा हुआ है, तो ये अच्छाइयां, इंसानियत उस पात्र के भीतर कहां से आई? ये अच्छाई, ये इंसानियत संध्या जी में कूट कूट कर भरी है, जो ये अपने पात्र के भीतर उड़ेल देती है। जो इन्हें करीब से जानते हैं वो मेरी बात से और आप लोग की तालियां मुझे बता रही है कि सहमत हैं। और हाँ, क्षमा चाहूंगी, मैंने सिर्फ संध्या जी का नाम लिया, इसमें हमारे उदार मना सुधीर जी का बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे भी कहावत है कि एक सफल स्त्री के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है, पूरे। ऑफ कोर्स आई एग्री, क्योंकि मेरे पीछे भी मेरा परिवार है। एक बात के साथ, दिल को छू लेने वाली बात के साथ मैं पूर्णाहुति करूंगी अपनी बात की, लेकिन उसके पहले अभी आप जब इनके परिवार को देख रहे हैं, संध्या जी को, सुधीर जी को, प्यारे प्यारे दो बच्चों को, आपकी इमेज बन रही होगी कि ये बहुत मॉडर्न परिवार है। संध्या जी को देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत मॉडर्न परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन इनका लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल, कितने साल हो गए, 15 साल करीब से जानती हूँ, और अब भवन नारायण भवन बनने के बाद तो थोड़ा सा और करीब से जानने लगे हैं। जितना मॉडर्न ये परिवार दिखाई देता है उससे अलग हटकर इनकी लाइफस्टाइल है। इनको देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते
कि इनके जीवन के जो विशेष दिन होते हैं, जन्मदिन, एनिवर्सरी या बच्चों ने सफलता हासिल की, ये होटल में जाकर पिक्चर देखकर या बाहर घूमकर सेलिब्रेट नहीं करते। ये सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशियां बाल आश्रम जाकर, वृद्धाश्रम जाकर, रेस्क्यू होम जाकर। लिस्ट खुद के सामानों की नहीं बनती है, लिस्ट बनती है उधर क्या रिक्वायरमेंट है, उधर की क्या जरूरतें हैं। बकायदा कोई भी काम जब हम लोग करने, अभी NRSP के दौरान बहुत बार सुधीर जी से काम पड़ा, इनके हाथ में ऑलवेज आपको एक पेपर फाइल मिलेगी, छोटा छोटा काम भी लिखना है, इतना सा भी काम चूकना नहीं चाहिए, इतना व्यवस्थित काम है इनका। वहाँ की लिस्ट बनती है, वो सामान जाता है, उनका भोजन जाता है, भोजन खुद की चॉइस का नहीं जाता, उनकी चॉइस का जाता है। बाल आश्रम जाते हैं, आप विश्वास करेंगे क्या? अब तक हमने देखा था बहुत सारा, ढेर सारा भोजन बनाया, ऑर्डर दिया और वहाँ पहुँचा दिया ना। बच्चों को डोसा पसंद है, बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, बच्चों को ग्रिल सैंडविच पसंद है, पास्ता पसंद है, लाइव काउंटर वहाँ पर जाकर लगता है और खुद अपने हाथों से परोसते हैं। ये इनका सेलिब्रेशन है, करने का तरीका है। इस बाबत तो आपको बहुत तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि आपके तालियों के माध्यम से ही इन तक आशीर्वाद पहुंचेगा। और कई आदिवासियों की, मुझे लगता है 1000 के ऊपर हो चुके होंगे जोड़े, जिनकी ये शादियां करवा चुके हैं, और शादी करवाते वक्त भी इतना सामान क्वालिटी वाला दिया जाता है कि एक बार तो सामने वाले का घर बस जाता है। एक एक सामान, विस्तार से कहने का समय नहीं है, सिर्फ इतना एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो खाली आपको झलक दिखाई है। अब एक सुंदर सी बात के साथ अपनी बात को पूर्णावती, हम लोग जब भी कभी बाहर घूमने जाते हैं, हम में से कुछ लोगों का, नॉट अधिकांश, कुछ लोगों का स्वभाव है कि जो लोग हमारे साथ नहीं आए हैं उनके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जाना, खरीदते हैं ना हम लोग कि जो घर में रहा है उसके लिए कुछ लेकर जाएं। एक बार की, अभी लॉकडाउन के पहले की बात है, हमारा सत्संग था एक छोटे शहर में, सुबह के वक्त सत्संग की पूर्णावति हो गई, टॉक का कार्यक्रम हो गया, शाम को हम लोग फ्री बैठे थे तो जो होस्ट थी वो हमें बाजार ले गई। पर छोटा शहर होने की वजह से वहाँ का मार्केट भी साधारण सा ही था, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, उसमें से एक थोड़ी ढंग की दुकान दिखाई दी। संध्या जी बोली मुझे जाना है उस शॉप में जाना है। दूसरी साधी का साथ थी, उनका कहना था कि संध्या यहाँ पर तुम्हारे लायक कुछ नहीं मिलने वाला, पर मुझे जाना है, मुझे देखना है। हम सब के सब उस दुकान पर पहुँचे और बहुत तल्लीनता के साथ सामान देखना शुरू किया, और हमें आश्चर्य हो रहा था कि जो सामान है वो जो जिस तरह से इनका रहन सहन है इसके लायक तो नहीं है। तो पूछा गया तो पता चला कि मुझे अपनी हेल्पर्स के लिए खरीद के लेके जाना है, और आगे पता चला कि जितनी बार भी बाहर जाते हैं परिवार का कोई भी सदस्य, इवन बच्चे सिद्धि तक, कुछ न कुछ सामान घर में उनके लिए भी आता है। देखिए, ये सुनने के बाद आज आपको एक नई चीज सीखने मिली ना। हाँ, और मैंने एक चीज विशेष ये देखी कि जो सामान वो खरीद रही थी,
कलर अच्छा है ना, प्रिंट अच्छा है ना, क्वालिटी अच्छी है ना, ऐसा नहीं कि हेल्पर को देना है तो जो सामने है वही उठा लिया। उतना ही एफर्ट डाला जितना खुद के कपड़ों के लिए शायद डालती होगी, उतना ही एफर्ट उनके लिए खरीदने के लिए भी डाला। ये पर्स उसे पसंद आएगा ना, और एक दो चीज़ों की तो फोटो क्लिक करके उस तक पहुंचाई कि तुमको जच रहा है तो ले ले बे। तो इस पर से आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार की क्या खासियत है। और जैसा कि पद्मश्री अवार्ड विजेता श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखा कि संध्या जी की कहानियों को ढेर सारे पाठक भी मिलेंगे और ढेर सारी सराहना भी। तो इसी शुभ कामना के साथ ये पुस्तक तुम्हारी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। आपकी तालियां इस पुस्तक को आशीर्वाद दे रही है। इसे शुभकामना के साथ एक प्रबल भाव ये भी एक बार पूर्ण बधाई और पुस्तक के विमोचन पर। और जल्द ही आपका तीसरा विमोचन भी पुस्तक का हो, इसे शुभकामना के साथ। नारायण नारायण नारायण। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू, लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू। नारायण नारायण नारायण। एक मिनट का समय, 33 सेकंड का। अभी जैसे हमने बात की कि इसे पाठक भी ढेर सारे मिले और प्रशंसा भी, तो आप सभी भी आशीर्वाद देना चाहेंगे ना? तो हाँ, और NRSP वाले तो देते आशीर्वाद राम राम माला के साथ है। तो चलिए पूरे भाव और चाव के साथ, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। नारायण नारायण। जैसा कि भाई साहब ने कहा, समय सीमित है। सिर्फ पुस्तक आप पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ लाइनें आपके दिल को छू जाएगी। जैसे बिस्तर पर पड़े बाबूजी खांसते हैं और उस खांसने की आवाज़ के आगे लिखा है इन्होंने कि उनका खांसना छोटी बहू के लिए जैसे अलार्म का काम कर जाता है, वो झट उन्हें संभालने आ जाती है। और बाबूजी के चेहरे पर वो भाव कि मेरी खांसी की आवाज़ सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई देती है, बाकियों को सुनाई नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आसन ग्रहण करें, दीदी का आशीर्वाद मिला। इसके अतिरिक्त कहने के लिए स्थान नहीं बचता है दीदी के बाद, लेकिन हाँ, संध्या जी को आमंत्रित करें हम, ये कहते हुए कि संध्या जी उस शहर से हैं, उस स्थान से हैं जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण का स्थान। कृष्ण पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत जन कल्याण करते रहे, संघर्ष करते रहे, 6 महीने से लेकर और अंत तक, पूतना से युद्ध करते हुए जरासंध तक युद्ध करते रहे और जन कल्याण करते रहे। जहाँ जहाँ कृष्ण की आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ परोपकार करते रहे। उस स्थान से हैं, परोपकार इनके रक्त में है, उस माटी से परोपकार लेकर आई हैं। जब कथा लिखती हैं तो इनकी कथा में मुझे नहीं लगता कि कोई पात्र काल्पनिक होता है। हर पात्र जो केंद्रीय पात्र होता है, वहाँ पुरुष हो या स्त्री हो, संध्या स्वयं वहाँ उपस्थित होती है उस चरित्र के साथ, उस चरित्र में अपने आप को ढाल देती हैं, जूझती हैं, लड़ती हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं, कल्याण करती हुई अंत में
सुखद अंत तक पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया, इस समाज में जन कल्याण के माध्यम से सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। संध्या जी की कथाओं में ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। मैं आमंत्रित करता हूँ संध्या जी आए और अपने बात, अपने मन की बात जो पुस्तक में रखी है हमसे साझा करें। मैं चाहूंगा कि आप आमंत्रित करें संध्या जी को। बहुत अच्छी काउंसलर हैं, लोगों की जीवन की बड़ी बड़ी विकट समस्याओं का हल उनसे बात करते हुए उनके मन से ही निकालती हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है इस धरती में सारे रत्न हैं, सारी संपदाएं हैं। मनुष्य का हृदय भी एक धरती है, उसमें सारी संपदाएं हैं, सारी समस्याओं के हल हैं। जो संध्या जी उसे स्पर्श करती हैं और निकालती हैं, वो व्यक्ति कहता है कि हमें यही हल चाहिए था। संध्या जी, नारायण नारायण। आज आनंद जी ने मुझे यहाँ बुलाया कि आप कुछ मन की बात कहें, लेकिन वो मन की बात कहने के लिए मुझे पूरा परिवार चाहिए होगा। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट करूँगी मेरे जीवन साथी सुधीर जी से, मेरे बड़े बेटे सम्मत से, मेरी बहू खुशबू से, मेरे छोटे बेटे सिद्धार्थ से और सिद्धि से और भैया से कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ आए, जो सपोर्ट आज मैं जहाँ हूँ और जो मैंने हासिल किया, लोगों को लगता है वो मेरे अचीवमेंट्स हैं, वो मेरे अचीवमेंट्स नहीं हैं, वो मेरे परिवार का सपोर्ट है, मेरे परिवार का प्यार है जो निरंतर उन्होंने मुझे दिया। मेरी एक विश मेरे पूरे परिवार के लिए, उस विश को पूरा करना मेरे परिवार का एक सपना बन जाता है। छोटी थी, पिता से ये संस्कार मिले, पिता से ये जीन्स, लिखने के जीन्स मिले, माता से संस्कार मिला, अपने खुद के परिवार में आई तो सासू माँ से बहुत प्यार मिला, ससुर जी से प्यार मिला और बहुत आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। लेकिन मुंबई शहर में सिर्फ सुधीर जी के साथ अकेली रहना शुरू किया क्योंकि काम उस तरीके से था। लेकिन हर वक्त हमारे परिवार में एक चीज़ हमेशा रही कि स्त्री मान्या है, लेकिन उस मान्या के साथ स्त्री को अपना अस्तित्व, घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चों को बड़ा करना, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर भी कुछ दबा हुआ है, कुछ आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो बचपन में हम जब बातें करते थे कि बचपन में मैं ये करती थी, लिखती थी, बच्चों ने बहुत सारी पत्रिकाएँ देखी, न्यूज़पेपर देखे, तो जब ये बच्चे छोटे थे तो ये मेरा खुद का डिसीशन था कि मुझे घर पे रहना है। उसके लिए घर में बहुत ये भी हुआ, सुधीर जी ने भी कहा नहीं, जो चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि इस तरह से भी परिवार संभाला जा सकता है। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरे का पूरा समय मुझे मेरे परिवार को देना है, मुझे मेरे बच्चों को देना है। देना नहीं क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा संसार है और वही मेरा आज भी जीवन है, वही मेरा संसार है। कहानियाँ लिखना या सोशल वर्क करना वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, हमेशा मेरा परिवार, क्योंकि मेरे परिवार के कारण ही सब मेरे साथ खड़े हैं, मैं आज यहाँ हूँ सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ देम, कि उनका इतना सपोर्ट हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए। जब ये प्रोग्राम की डेट डिसाइड हुई, मैं मेरी पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए गुड़गांव गई हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस सुधीर जी ने मुझे कॉल किया कि 13 तारीख का फंक्शन डिसाइड हो गया है, हॉल बुक हो गया है, सबके साथ बात हो गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, तो बस तुम्हें एनिवर्सरी ख़त्म करने के बाद, मैं एक दो दिन रुकने वाली थी कि रुकना नहीं है, बस एनिवर्सरी ख़त्म करते ही तुम्हें आ जाना है, जिससे कि ये जो सपना हम लोग इतने दिनों से देख रहे थे उसको अच्छे से पूरा कर सकें। तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं अपने परिवार के लिए चाहूँगी और यही कामना करूँगी कि हर किसी को मेरे जैसा ये परिवार मिले।
मैं NRSP परिवार से जुड़ी। NRSP परिवार से जब जुड़ी तो दीदी ने हमेशा सिखाया, हमेशा कहा कि आपके कारण लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है, तो वही आपका जीवन है। पर मैं दीदी अपने परिवार में हमेशा ये पूरी मुझे हमेशा ये लगा कि मैं शायद सबसे पीछे रह जाती हूँ इस बात में। मेरा परिवार इन सब बातों में, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे है। अगर मेरा थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, पूरे का पूरा परिवार ऑफिस से कॉल आने लगेगा। मेरी जिठानी जी जो अभी कानपुर में है इस वक्त, वो किसी कारणवश आ नहीं सकी, 4 बार उनका फ़ोन आ जाएगा, क्या हुआ है आज तुझे, मेरे को बोला सिद्धार्थ ने अच्छे से बात नहीं किया, सम्मत ने ऐसा बोला, खुशबू ने ऐसा बताया। पूरा परिवार का ये मंशा रहती है, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा सत्संग मेरे परिवार ने अपने जीवन में उतारा है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से मैं शायद ये सारी चीज़ें लिख पाती हूँ या कर पाती हूँ। और जैसा कि दीदी ने कहा कि सकारात्मकता, अलका जी ने कहा सकारात्मकता, तो वो जीवन की एक पद्धति बन गई है। मुझे कई सारे लेखकों ने ये बात कही भी कि आपकी कहानियाँ काफ़ी सकारात्मकता से भरी हैं, जबकि जीवन ऐसा नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मानती हूँ, आपका कहना मानती हूँ कि जीवन ऐसा नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जीवन ऐसा ही है, क्योंकि मेरे आसपास या जितना भी बड़ा मेरा परिवार बैठा है, ये पूरा परिवार मेरी कहानियों का जीता जागता उदाहरण है। ये तो बहुत थोड़ी संख्या है, बहुत 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 थोड़ी संख्या है। हमारा परिवार, लाखों लोग हैं हमारे परिवार में, देश विदेश में बसा है हमारा NRSP परिवार, और उस परिवार का एक एक व्यक्ति दीदी, आप सबको कहना चाहूँगी, दीदी को तो पता ही है कि एक एक व्यक्ति सकारात्मकता की, ऊपर से लेकर नीचे तक सकारात्मकता, ना नहीं, ऐसे वर्ड्स तो हमारे पूरे परिवार की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो जब आप इस तरह के माहौल में रह रहे होते हैं, ऐसे लोगों के बीच रह रहे होते हैं, जहाँ हर पल जिससे भी आप मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ऐसे में लोग जो बोलते हैं कि जो आप सोचते हैं वही कहानियों में उतरता है। कहानियाँ या साहित्य समाज का आईना है। बिल्कुल सही बात है, साहित्य समाज का आईना है, पर मुझे लगता है हमें समाज का वो रूप भी लोगों को दिखाना चाहिए जो सच में देखने योग्य है। हम लोगों को वो सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं न्यूज़पेपर्स, मीडिया और उन सब चीज़ों के माध्यम से, जो नहीं दिखाई जानी चाहिए। पर वो चीज़ें मीडिया, न्यूज़पेपर कहीं नहीं दिखाता जो दिखाई जानी चाहिए। परिवारों में पलता हुआ प्यार, अनजान होते हुए भी परिवार एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ मैं तैयार होकर यहाँ आई हूँ, बाकी कौन सा काम कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे पूरे गुप्ता परिवार ने, मेरे पूरे NRSP परिवार ने, जो सब यहाँ मौजूद हैं, किसने कहाँ किसको इनवाइट किया, कैसे इनवाइट गए, मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मैं यहाँ आकर खड़ी हूँ। तो ये पूरा परिवार मेरी ताकत है। सो आप सभी के प्यार के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद करूं, जितना आभार करूं, जीते जागते हर पल, उठते बैठते हर पल सिर्फ और सिर्फ आभार 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 निकलता है दिल से। सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मैं बॉम्बे में जब आई थी, मैं और सुधीर जी अकेले थे, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स पूछते थे, मैं बोलती थी मम्मी मुझे वहाँ लगता ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, सुधीर जी का इतना बड़ा परिवार था कि कोई मुझे ये बताता था कि सुधीर जी को क्या खाने में पसंद है, कोई मुझे मेरे घर के लिए तैयारियाँ करवाता था, यहाँ पर ये वाले कर्टन्स बेटर लगेंगे, बहुत सारे लोग आगे की सीट्स पे मौजूद हैं, कुछ लोग काफ़ी बाद मेरे जीवन में जुड़े, लेकिन हर पल हर चीज़ के साक्षी रहे। मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या आज आपके यहाँ खड़े होने की आवश्यकता है, या जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब जानते हैं कि मेरे लिए उन सब का होना ही मेरी सफलता है। पुस्तक लिखना या कहानियाँ लिखना तो ये बहुत आम सी बात है, पर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है आप सब लोग जो मेरा परिवार हैं, जो मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल हैं। थैंक यू सो मच,
दिल से मैं कितना आभार करूं मेरे पास शब्द नहीं है। दिल की प्रत्येक कोशिका से आप सभी को थैंक यू सो मच। और इस सब यहाँ तक पहुँचने में मेरे परिवार ने तो मेरी मदद की है, साथ ही राज दीदी से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें परिवर्तित की हैं अपने अंदर, बहुत सारा परिवर्तन लाया है। और उसका ही परिणाम है कि कोई भी उत्सव होता है, कोई भी ओकेशन होता है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं मेरी टीम, जो मेरे बच्चे अभी मेरे साथ कुछ दिनों से जुड़े हैं मेरे घर में, यानी गॉड गिफ्ट की फैमिली में ये चीज़ डिस्कस होता है। हमारे घर का एक पैटर्न है कि अगर हमारे घर में हम कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो बच्चों के साथ, सबके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। इवन अगर मुझे डिनर बनाना है तो मैं बोलती हूँ आज डिनर क्या बनाऊँ, तो सबके साथ पूछती हूँ। तो आज हमारे मेरे परिवार में ना, ये मेरे बच्चों के बीच में ना एक जोक हो गया है, मम्मी अपने असली बच्चों को पूछ लो। तो मैं अपने असली बच्चों को ना स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रियंका, तरुण, रिया, मानस, मेघना, राशि, ये मेरा वो पूरा परिवार है जिसने मेरी पुस्तक को नए आयाम दिए हैं। सोशल मीडिया के नाम पर मुझे जो कुछ सिखाया, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं, अभी भी कुछ नहीं आता, जो कुछ हैंडल करते हैं ये लोग करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट इनके हैं और इतने प्यारे कॉन्सेप्ट। कल आने के बाद मुझे बोले आंटी सृजन हमको हाथ पे चाहिए, और वो सृजन फिर हाथ पे व्यवस्था भी खुद से की, हमें ये चाहिए, यानी हर चीज़ हमें इस चीज़ को ऐसे प्रमोट करना है। तो रियली रियली आई एम सो सो थैंकफुल मेरे सारे बच्चे लोगों को कि ये ज़रूर मेरी कोख से नहीं जन्मे हैं पर मेरे दिल से जन्मे हैं और मेरे उतने ही दिल के करीब हैं जितने मेरे दिल के करीब हैं सिद्धा, सिद्धि, समद, खुशबू और सार्थक। तो ये घर का जोक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे समर्थ बोलता है चाची पहले अपने असली बच्चों को पूछ लो, उनको चलेगा ना ये। खुशबू आके बोलती है आपने पूछा ना, मानस को पूछा, तरुण को पूछा, डॉक्टर प्रियंका को पूछा। मैं सिद्धि को बोलती सिद्धि कौन सी साड़ी पहनूं, तो बोलती मम्मी ड्रेप करके ना दिखा लो मेघना दीदी को, राशि दीदी को और उनको, कौन क्या आपको सेलेक्ट करना है। सो आई एम सो सो थैंकफुल। और मेरी बहुत सारे यहाँ पर अंकुश मौजूद हैं, मधुर मौजूद हैं, संयम मौजूद हैं, आंटी अंकल मौजूद हैं, पूनम दीदी मौजूद हैं, रीना दीदी मौजूद हैं, ये सब मेरे परिवार के अभिन्न अभिन्न अंग हैं जिनको इन सबको पता था यहाँ क्या होने वाला सिवाय मेरे। तो आई एम सो सो ग्रेटफुल टू माय फैमिली, मेरी सारी फैमिली, एनआरएसपी फैमिली और यहाँ मौजूद सारी फैमिली, थैंक यू सो मच। ये मेरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की सफलता है। थैंक यू। जी हाँ, सॉरी अलका दीदी ने मुझे बिल्कुल सही ध्यान दिया कि परिवार की बात करते वक्त कोई भी स्त्री इतनी भावुक हो जाती कि बाकी हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ गोपी जी देसाई को, जिन्होंने मेरे भावों को इतने सुंदर तरीके से पढ़ा। इसके साथ ही मैं शैलेश जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी कहानियों को इतना सुंदर, मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे लिए टोटल सरप्राइज था कि उन्होंने कब मेरी कहानियाँ पढ़ी और कब उन कहानियों को इतने सुंदर से गीत में पिरोया। तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारा धन्यवाद विवेक जी को, विवेक जी अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं, उनको बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे हर पल मदद की है। मैं उनको कभी भी फ़ोन करूँ कि विवेक जी मेरे को, मुझे ये काम है, ऑलवेज ऑलवेज रेडी। और आनंद जी को जो कि हमेशा ऑलवेज, उनको बस कॉल करने की देर होती है, वो अपने ये भी नहीं मुझे बोलते कि मैं डायरी चेक करके बताऊंगा, वो मुझे बोलते बस टाइम बताइए मैं पहुंच जाऊंगा। और बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, छोटा शब्द है उनके लिए, अलका दीदी को देना चाहूंगी। अलका दीदी से मेरी मुलाकात, शशि दीदी को भी देना चाहूंगी जिनके कारण से मैं अलका दीदी से मिली। और अलका दीदी के साथ
शुरू एक जो पहली मुलाकात हुई पता नहीं उसमें क्या कनेक्शन था अलका दीदी के साथ कि वो कब मेरी दोस्त से बड़ी बहन हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और उनकी ही प्रेरणा थी जिसने मुझे मेरी पहली पुस्तकों का ये कॉन्सेप्ट दिया कि मुझे इसको बुक को प्रिंट करना चाहिए। फिर बाकी परिवार तो था ही, तो आज जो भी चीज़ें मैंने हासिल की मेरी जो भी बुक प्रिंट्स हुई हैं दोनों बुक उसमें अलका दीदी ने मुझे बहुत बहुत, और ऐसा कि कभी भी आधी रात को भी मैं अलका दीदी को फ़ोन करूं उनका कॉल भी चल रहा होता है वो कॉल रख के पहले मेरा फ़ोन लेती हैं। सो आई एम सो सो थैंकफुल टू एवरी वन जिन्होंने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया। आप लोगों के बिना मेरी ये यात्रा, आप लोगों के साथ ही मेरी ये यात्रा पूरी होती है। और ये मेरी सफलता नहीं, ये आप सबकी सफलता है। मैं तो इतना अदना सा पार्ट हूँ उस चीज़ का। आप सब लोग के सहयोग के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद।